बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के मिशन में जुटी है। उसे इस बार कांग्रेस से कड़े मुकाबले का सामना करना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को आगे करके कांग्रेस जाट समुदाय का वोट तय मानकर चल रही है। कांग्रेस को जहां जाट, मुस्लिम और दलित के समीकरण पर भरोसा है, वहीं बीजेपी यूपी की तर्ज पर ज्यादा से ज्यादा समुदाय को लुभाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी एक तरफ जहां हरियाणा की सबसे बड़ी आबादी जाटों को लुभाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर दलित और ओबीसी के साथ साथ ब्राह्मण, पंजाबी, जाट, सिख, राजपूत और गुर्जर जैसे अन्य समुदायों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि जो समुदाय पूरी तरह से साथ नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा वोटों का बिखराव पैदा किया जाए। यही वजह है कि जाट वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी हरियाणा से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों और किसानों की पार्टी माने जाने वाले जयंत चौधरी को आगे करने जा रही है। हरियाणा में जाटों की आबादी 22% से ज्यादा है। बीजेपी जयंत चौधरी की पार्टी रालोद को हरियाणा में कुछ सीटें देकर जाट वोटरों को संदेश देना चाहती है। साथ ही हरियाणा के चुनाव प्रचार में भी बीजेपी जयंत चौधरी को उतारेगी। जाट वोटरों को लुभाने या यूं कहें कि सेंध लगाने के लिए मुख्यमंत्री सैनी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जाटों का शोषण करने का आरोप लगा रहे हैं। सैनी ने कहा कि हुड्डा 2005 से 2014 के बीच दो बार मुख्यमंत्री रहे, इस दौरान हुड्डा ने जाटों का शोषण किया। सैनी तो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने हाल ही में तोशाम में एक रैली की थी, इसमें जाट समाज ने खुले तौर पर हाथ उठाकर कहा था कि वो बीजेपी को वोट देंगे। इसके साथ ही पार्टी राज्य में जीत हार में अहम भूमिका निभाने वाले अन्य समुदायों पर भी फोकस कर रही है। जाट के बाद हरियाणा में सबसे बड़ी संख्या अनुसूचित जाति की है, इनकी तादाद 21% के लगभग है। पार्टी को अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के सहारे दलित का वोट मिलने की उम्मीद है। बीजेपी की रणनीति ये है कि अभय चौटाला व मायावती और दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर के दोनों गठबंधन पर ज्यादा से ज्यादा हमला बोलकर दलित और जाट वोट बैंक में बंटवारा किया जाए। वहीं हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच मतभेद को उभारकर कांग्रेस को दलित विरोधी साबित किया जाए। सैनी ने जाटों को देशभक्त बताकर जाट के साथ साथ किसान समुदाय का भी भरोसा जीतने की कोशिश की है। ओबीसी समुदाय को लुभाने के लिए पार्टी के पास ओबीसी का मुख्य चेहरा है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि ओबीसी समाज एकजुट होकर उसे वोट करेगा। राज्य की आबादी में 7.5% हिस्सेदारी रखने वाले ब्राह्मण समुदाय को लुभाने के लिए ही पार्टी ने अपने ब्राह्मण नेता मोहन लाल बडोली को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके साथ ही पार्टी 8% वाले पंजाबी, 5% वाले वैश्य, 4% वाले जाट सिख, 3.5% वाले राजपूत और लगभग इतनी ही संख्या वाले गुर्जर और अन्य समुदाय को लुभाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के नेताओं को अलग अलग इलाकों में जिम्मेदारी दे रखी है।